अभी तक मैं आप लोगों से यही कहती थी कि प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, अपने करियर पे फोकस करो, सही टाइम आएगा तो आपको पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक बार प्यार आपको ज़रूर करना चाहिए, मगर क्यों करना चाहिए वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ज़िंदगी में प्यार करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको ज़िंदगी की सबसे अच्छी सीख देता है कि आप कितने बड़े मूर्ख थे, कितने बड़े जाहिल थे। आप जिस लड़की को दिलो जान और मोहब्बत से चाहते थे, वही आपकी औकात दिखाकर चली जाती है। जब आपको आपकी औकात दिखाएगी तो आपके अंदर एक ऐसा जुनून पैदा हो जाएगा कुछ करने का। जब आपके अंदर ये जुनून आएगा तभी सारी कहानी आपकी ज़िंदगी में शुरू होगी। पता है, आप यही सोचोगे कि आखिर इसने मुझे नीचा दिखाया, इसने मेरी औकात दिखाई ना, चलो ठीक है मैं इसकी औकात दिखाऊंगा। ऐसी चुड़ैलों को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं रखूंगा, हटाओ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब ये आपके दिल में ऐसी चीज़ आएगी, क्योंकि ठेस पहुँची है ना, तो आपके अंदर ये चीज़ आएगी कि मुझे कुछ करना है भाई, अब दिखाना है, अब तो कुछ करके ही दिखाना है। चाहे जैसे जेब में कटी चवन्नी भी ना हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर ऐसा जुनून आ जाएगा ना, तभी जाके आपको ज़िंदगी में कुछ नया रास्ता और नया मुकाम मिलेगा, और तब जाके आप अपनी पहचान बना पाओगे। सच कह रही हूँ। और पता है, आपको हमेशा ये बातें मोटिवेट करती रहेंगी कि आप जब भी उसके बारे में सोचोगे, आपको अंदर से और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है, हार नहीं मानना है। आप जब भी गिवअप करने लगोगे, उसकी बातें सोचोगे, आप ये सोचोगे कि नहीं भैया, मुझे रुकना नहीं है, अपने लिए ना सही लेकिन उसकी औकात दिखाने के लिए तो मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना ही है। आपकी नींद उड़ जाएगी रातों की जब तक कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करने लोगे, ऐसा जुनून आता है। और डियर, यही चीज़ आगे चल के आपको बेहतर बनाएगी और इंसान की परख करना सिखाएगी, जो कि आप किसी भी पर्सनैलिटी कोर्स में नहीं सीख सकते। किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आपको ये सारी चीज़ें नहीं सीखने को मिलेंगी, क्योंकि दिल से टूटा हुआ इंसान ही इतिहास रच रहा है आजकल, पता है ना आपको। तो एक बार आपको अपना दिल तो तोड़ना ही पड़ेगा। एक बात याद रखना, अगर आपका दिल नहीं टूटा ना, तो आपके अंदर दुनिया को समझने की ताकत कभी नहीं आएगी। आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, उसकी जाँच पड़ताल करने कभी नहीं आएगी आपको, और यही चीज़ें आपको बर्बाद कर देंगी। क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा ना कि कौन कैसा है। दिल टूटने के बाद ही आपको दुनियादारी की समझ आ जाती है डियर। अगर तुम्हारा एक बार दिल टूट गया है, आप सोच रहे हो कि चलो भाई किसी फिर से रिलेशन में आ जाते हैं, ये करना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। भाई क्यों जाओगे, तुम्हें फिर कुछ एहसास ही नहीं होगा कि ज़िंदगी में क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि फिर से रिकवर हो जाएगा ना। तुम्हें एक मौका मिला है दिल तुड़वाने का, तो उसे गवाओ नहीं, झेलो। ज़िंदगी हिला देने वाले दर्द को झेलो, क्योंकि दिल टूटने के बाद ही अगर आप इसे जल्दी रिकवर कर लोगे ना, तो कुछ नहीं होगा, कुछ असर नहीं होगा। आपको आदत पड़ जाएगी प्यार मोहब्बत की, एक से छूटोगे दूसरे के पास जाओगे, दिल फेक हो जाओगे। क्योंकि देखो, घाव अगर आपको लगा है, आप उस पर मरहम पट्टी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जल्दी से ठीक हो जाएगा, उसका निशान भी आपको नहीं पता चलेगा, कुछ टाइम बाद आप भूल भी जाओगे कि आपके साथ क्या हुआ था, ठीक है। लेकिन जब पक जाता है ना घाव, तो उस पर बहुत गहरी निशान छोड़ जाता है, और ये निशान ही आपको एहसास दिलाता रहेगा कि आपके साथ किसी ने क्या किया था। तो आपको नए रिलेशन में आना नहीं है, अपने घाव पे मरहम नहीं लगाना है। मैंने जो कहना था वो कह दिया, लेकिन आप बताओ क्या आपका दिल टूटा है? अगर टूटा है तो मुझे अपनी स्टोरी थोड़ा सा यस या नो करके बता सकते हो, मैं समझ जाऊँगी कि हाँ आपका दिल टूटा है, जिससे कि बाकी लोगों को भी सबक मिल सके। अगर मेरी वीडियो से और मेरी बातों से अगर आप सहमत हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अपना ख्याल रखना, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के बाय बाय।